पानीपत लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को गोहाना में रैली को संबोधित किया। इस दौरान वह प्रचार रथ पर सवार होकर गोहाना रैली में पहुंचे लोगों का भारी जनसमूह देखकर वह गदगद हो गए। इस दौरान रोहतक से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा व सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से का प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निशाने पर भाजपा रही। उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई भी नेता स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में शामिल नहीं रहा, अब तो निशाना केवल दिल्ली नहीं है लक्ष्य। सोनीपत के गोहाना में शुक्रवार को कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा व भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों पिता पुत्र ने गोहाना में चुनावी रैली का आयोजन किया। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए रोहतक से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 1857 में क्रांति आज के दिन से ही शुरू हुई थी, जो हमारे देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बहुत से देश प्रेमियों ने अपनी जान गंवाई थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देशभक्ति की बात करते हैं और आज देश को बिगाड़ने का कार्य करते, भाई से भाई को लड़ाते हैं। यह देश सबका है, जितना उनका है उतना ही हमारा भी है। यह हर जाति का देश है, हर धर्म का देश है। दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा को जलाने का कार्य खट्टर ने किया है और गोली चलवाई गई है, बहुत सारे बेकसूर लोग मारे गए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बेवजह के बयान देते रहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा किसी काम का नहीं है, अब जनता उसको सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि इस राजनीति में नकारात्मकता नजर आती है, जब तक उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। 1857 की क्रांति आज के दिन से शुरू हुई थी, जो क्रांति की तैयारी जो हमारे देश में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 आज हम सलाम करते हैं उन अमर शहीदों का, मंगल पांडे को सलाम करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, कदम सिंह गुर्जर, शहीद राव तुकाराम, शहीद बेहजत अली, हर जाति हर धर्म से एक हमने एक मिलकर एक लक्ष्य लेकर चले थे, देश की बुनियाद रखने का काम उन्होंने किया था। आज के दिन 1857 में देश को आजादी की तरफ लेके जाएंगे। 1857 से लेकर 1947 तक सबने एक साथ धर्म जाति भाषा भूषा सबने एक होके देश के लिए काम किया। कुछ लोग देशभक्ति की बात करते हैं मगर देश में भाईचारे को बांट के अपनी राजनीति करना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़ाकर समाज में विभाजन करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, ये देश सबका है, ये देश आपका भी है, ये देश हमारा भी है, ये देश एक एक भारतवासी का है, ये देश हर धर्म का, हर जाति का, हर भाषा का, हर प्रांत का, ये हमारा देश है। बार बार बोल जाए गोलियां चली, पंचकुला जला, हिसार जला, रोहतक जला, गर्व है इस बात का। गोली चलने की बात तो दूर है, फौज बुलाने की बात तो दूर है, 9.5 साल हमारी सरकार रही, किसी को गोली या गोली चलाने की बात दूर है, फौज बुलाने की दूर है। लाठीचार्ज भी नहीं हुआ, अगर धक्के भी किसी ने खाए तो जितेंद्र ने धक्के खाए, किसी को धक्का भी नहीं। इलाकेवाद का निशाना चाहते हैं, झूठा निशाना चाहते हैं और निशाना साधते हैं मेरे पे, कई दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, सारे निशाना साधते हैं। मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी का बयान कई दिनों से आता है, कहते हैं कि भाई डिफेंडर किसी काम का लड़का नहीं है, कि हुड्डा साहब की वजह से जीतता है। मेरे मन में टीस होती है एक बात की, कहते हुड्डा साहब की वजह से जीता 3 बार, इस बार उसको सबक सिखाने का समय आ गया, वो किसी काम का लड़का नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा काम भी आपके सामने, मेरा व्यवहार भी आपके सामने, मेरा संघर्ष भी आपके सामने, मेरा तपस्या भी आपके सामने, और पूरी राष्ट्रीय बीजेपी तक जो मुझको निशाने पे लेती है। मैं आपसे पूछता हूँ इस बात को लेकर भी जो निशाना हम पे आता है, मैं आपसे पूछता हूँ क्या मैं आपके भरोसे पे इन वर्षों में पूरा उतरा कि नहीं उतरा? जिस राजनीति में नकारात्मकता है, कीचड़ है, मैं आपसे पूछता हूँ 14 साल में इस राजनीति में मेरे कपड़ों पे, इस कीचड़ में एक कोई छींटा पड़ा तो मैं आपसे पूछता हूँ? रोहतक में उन्होंने एक बात की जिस बात की मन में मेरे को टीस है, उन्होंने कहा कि सबक सिखाने का टाइम है और इस चुनाव में
उन्होंने कहा कि दीपेंद्र प्राइवेट बच्चा है, प्राइवेट लिमिटेड का बच्चा है। इस दौरान सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि देश में आजादी की लंबी लड़ाई लड़ते हुए यह देश आजाद हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में वह लड़ाई लड़ाई गई और भारतीय जनता पार्टी का उस लड़ाई में कोई भी व्यक्ति नहीं था। उनके दादा स्वतंत्रता सेनानी की लड़ में शामिल रहे और उनके पिताजी लड़ाई में शामिल रहे। अब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में बहुत सारे वायदे किए, 15 लाख देंगे, उन्होंने किसी के खाते में एक भी पैसा नहीं भेजा और वादा खिलाफी का कार्य किया। यह लोकसभा का चुनाव है, हमारा निशाना केवल दिल्ली नहीं है, लक्ष्य चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में आपकी सरकार बनान है, यही कारण है आज भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो उसे एक ही ललक है कि रोहतक और सोनीपत को हरा दो, जबकि जनता खुद भाजपा को हराने जा रही है। उन्होंने कविता सुनाते हुए कहा कि अगर पलक की मंशा है यही बिजली गिराने की और हमें भी जिद है यहाँ आशियां बनाने की। उन्होंने कहा कि यह परिवार स्वतंत्रता सेनानी परिवार से है, यह किसी से डरने वाला नहीं है। इन्होंने 3 बार हरियाणा को जलाने का कार्य किया, आंदोलन के समय पंचकुला में और रामपाल के दौरान 80 लोग को गोली से मरवाया गया और जब से हरियाणा बना इतने लोग नहीं मरे थे। देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा। आजादी की लंबी लड़ाई लड़कर देश आजाद हुआ गांधी जी के नेतृत्व, और आज मैं कह सकता हूँ आप देख सकते हैं कि जो लंबी लड़ाई लड़ी भारत ने गांधी जी के नेतृत्व में, भाई आज की भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी नहीं था उस लड़ाई में। तो आप कहते हुए आप देश भगत है देश, हाँ मेरे परदादा थे, तो मेरे दादाजी में रहे, मेरे पिताजी रहे, उन्होंने लड़ाई लड़ी, देश आजाद हुआ, कांग्रेस पार्टी ने देश। अब बात आई भारतीय जनता पार्टी, 2014 में बहुत सारे वायदे किए थे, जैसे दीपेंद्र ने बताया उसमें जैसे 15 लाख आएंगे, भाई देखो आज पूरा हरियाणा बैठा है। एक बात मैं कह रहा हूँ बल्कि भाई जिसके आगे हो 15 लाख उसका धर्म बनता है बीजेपी को वोट दो, और जिसके नहीं आए हो उसका धर्म बनता है भाई मारे को वोट दो। चुनाव हो रहा है असेंबली का, हमारा निशाना केवल दिल्ली है नहीं है, लक्ष्य चंडीगढ़ है भाई। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो उसको एक ही लड़क है कि रोहतक और सोनीपत। मैंने सुना है उनकी पार्टी की टीम में सबसे यही बात होती है, भाई रोहतक और सोनीपत का हाल जब तक मेरा फैसला नहीं हुआ था यहाँ का, जब कह रहे थे दीपेंद्र को हरा लो, मैं भाई दीपेंद्र को हरा लो, दीपेंद्र सुनना है क्या? रोहतक सोनीपत और जींद के लोगों ने भाई अपनी छाती हड़ा दी है, अपनी छाती हड़ा दी है और छाती हरी खरी हर बार के लिए तैयार है, हर उसके लिए तैयार है यहाँ के लोग, जो तुम्हारे से हो सकता हो और करो। अगर फलक की मंशा है यही बिजली गिराने की तो हमें भी जिद है यही आशियाना बनाने की। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं एक स्वतंत्र सेनानी का बेटा हूँ भाई, जो अंग्रेजों से नहीं डरे तुम्हारे से क्या डरे, ये झूठे मुकदमे से डरने वाला नहीं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। अभी कल आपने देखा यहाँ हरियाणा में इन्होंने 3 बार हरियाणा जलाने का काम किया, 3 बार आंदोलन के समय पंचकुला में और रामपाल में 3 बार, और जब बेकाबू हो गया 80 लोग
गोली से उन्होंने मरवाया। मतलब है कि हिसार में लोकसभा आम चुनाव 2019 के लिए चुनाव प्रचार आज 10 मई को सायं 6 बजे बंद हो जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए जन प्रत्याशियों व राजनीति दलों को वाहनों व लाउडस्पीकर की अनुमति दी गई है। वह 10 मई को सायं 6 बजे समाप्त हो जाएगी। प्रचार बंद होने के पश्चात अगर कोई प्रत्याशी व राजनीतिक दल वाहनों व लाउडस्पीकर का प्रयोग करते पाया गया तो ऐसे वाहनों को तुरंत प्रभाव से इम्पाउट कर दिया जाएगा और चुनाव आयोग की हिदायतानुसार सख्त कार्रवाई की।